मित्रों, आज मैं आप लोगों को अपना ये व्लॉग दिल्ली से कानपुर का जो है तेजस एक्सप्रेस का जो है शो करने जा रहा हूँ। और इस सफ़र पे तेजस की फील जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल तो मैं अभी दिल्ली स्टेशन पर हूँ और ये हमारी तेजस प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। और मैं यहाँ पर अभी खुद भी जो है पहली बार ही तेजस जो है मतलब सफ़र करने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है ये। तो अभी देखना है कि ये कैसी इसकी फील है, कैसा इसका इंटीरियर्स है, मतलब पूरी तरह से ये अनुभव करना है। तो फ़िलहाल अभी प्लेटफॉर्म पर इसका जो है पूरा हर तरीके से हवाला लेता हुआ। और फ़िलहाल तो ये देखिए आप, ये इसका बाहर की तरफ से जो लुक है वो कुछ इस तरीके से है। और मैंने सीट इसकी बुक करा रखी है। एक्चुअली मेरे को, मैं जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं दिल्ली गया था। तो अभी दिल्ली जब गया था तो द रियल लिविंग के जो ऑनर हैं मिस्टर राहुल जी, राहुल दुबे जी, उनके साथ मैंने एक ब्लॉग भी शूट किया वहाँ पर दिल्ली कैंट का। तो वही कुछ काम से गया तो उनसे भी मिला, वहाँ व्लॉग शूट किया और वापस आना था मेरे को। तो अटेंडम में जो है फिर मुझे तेजस ही मिली तो इसको मैंने बुक कर लिया। और देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक है, काफ़ी खूबसूरत। ट्रेन तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब ये प्राइवेटाइजेशन में किस तरह से इसका क्या लुत्फ़ है ये देखने वाली बात होगी। तो अभी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म पे बाहर से ही इसका जो है जायज़ा ले रहा हूँ, किस तरीके से ये दिखती है, कैसे क्या है। फिर उसके बाद ट्रेन के अंदर चलूँगा। और ये देखिए, ये सर्विस गर्ल वगैरह जो है ये आपके वेलकम के लिए बाहर ही खड़ी हो जाती हैं आकर के। और फ़िलहाल तो नई ट्रेन है तो नई सर्विस के साथ रवाना होती है, नया नया वातावरण है इसका। चलिए खैर, इसको मैंने पूरा फील किया है बाहर से अभी फ़िलहाल। तो देखने में काफ़ी गुड लुकिंग है इसकी। और अभी मैं अपना कोच भी देखता हूँ कहाँ पर मेरा कोच है। और ये कुछ भाईजान लोग हैं, कुछ ब्रदर यहाँ पर ऑलरेडी। ये भी कोई, इनका भी कोई व्लॉग है, मेरे को इन्होंने बताया। मैंने इनसे जल्दी में चैनल पूछा पर पूरी तरह समझ नहीं पाया कौन सा चैनल था। तो यहाँ पर मैं अभी बैठ गया हूँ आकर के कोने में, और ट्रेन के रवाना होने का इंतज़ार। और ये मैं जो है अंदर आ चुका हूँ। और अब आपको यहाँ पर ट्रेन का इंटीरियर्स देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ लुक है इसका। और मैंने जो है जो बुकिंग कराई अपनी, वो C1 कोच है मेरा और सीट नंबर 50 है। तो इस तरह का कुछ इसका इंटीरियर्स है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इंटीरियर बनाया है। लेकिन एज़ कम्पेयर लोग जैसे बता रहे थे कि प्लेन वाली फीलिंग है, तो वो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही है इसमें। लेकिन ये है कि हाँ, अच्छा फील है इसका। सीट की अगर बात करें तो फ़िलहाल तो ये देखिए आप, ऊपर जो इन्होंने लगेज बर्थ बनाया हुआ है तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का जो है दिख रहा है ये। और सीटों पर ये इस तरह से, ये देखिए टीवी लगा हुआ है। टीवी क्या, वो एक मॉनिटर है, वो आपको इंडिकेट करता रहेगा कौन सा स्टेशन पास हुआ, ठीक है। और बने रहिए, आप ब्लॉक पर आपको दिखाता हूँ इस पर कानपुर तक क्या होता है। फ़िलहाल तो लखनऊ तक का सफ़र है इस ट्रेन का। और ये देखिए इस तरह से इसकी ये सीटें, मतलब वो खाना वगैरह अगर आप खाते हो कुछ भी नाश्ता वगैरह, तो
इस तरह से आप लंच वगैरह अपना इस पर रख सकते हो प्रॉपर वे पे, और ये मोल्ड हो जाती है। ये चीज़ अच्छी है, और इसकी जो फुट गैपिंग दे रखी है तो वो भी अच्छी दे रखी है सीटों के बीच में, मतलब आरामदेह है। और ये पानी की बोतल मैं एक्स्ट्रा ले करके आ गया था, मुझे प्यास लगी थी तो मैंने ले ली थी ऑलरेडी। अब ट्रेन के अंदर जाने का समय काफ़ी लेट था उस समय, तो ये कुछ ग्रास ऊपर वगैरह मैगज़ीन आपको मिलती है जब आप अंदर आते हो। हिंदी पढ़ने का मन है हिंदी पढ़ो, इंग्लिश का मन है इंग्लिश पढ़ो, टाइम पास की चीज़ें। और ये हमारे एक भाई और भी सफ़र कर रहे हैं। फ़िलहाल तो मैंने जो ये सीट बुक की है उस समय कोई और इन दो सीटों पर कोई और नहीं था, मैं ही था अकेला सिर्फ, तो पूरा मज़ा लिया मैंने। और ये इंटीरियर से किया, अब इस तरीके से ट्रेन का इंटीरियर, ये कोच दिखते हैं, सारे कोच इसी तरीके से दिखते हैं। और ये प्लग वगैरह लगाने के लिए, चार्जिंग करने के लिए आपको दिया हुआ है। उसके बाद चलिए टाइम लैप्स थोड़ा कर लेते हैं हम। और ट्रेन हमारी चल पड़ी है ये सीधे अपने लखनऊ के रास्ते, लखनऊ की तरफ। तो फ़िलहाल हम दिल्ली से निकल चुके हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये बाहर का कुछ नज़ारा है। खैर ट्रेन तो चल दिया है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ट्रेन चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। फीलिंग इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है। दिल्ली बाय 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 दिल्ली। लोगों को आप देख सकते हो किस तरह से तेजस को जो है मतलब निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत फीलिंग के साथ आगे की ओर रवाना होते हुए। तो बाय बाय दिल्ली, होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पर मुझे पानी की बोतल सर्व की गई है सर्विस गर्ल द्वारा, और ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ की जो है एयर हॉस्टेस जिन्हें बोला जाता है, यहाँ पर एयर हॉस्टेस का काम ये सर्विस गर्ल इस तरह से प्लेन की ही तरीके जो है सर्विस देने के लिए तत्पर है। और फ़िलहाल शायद मैं गाज़ियाबाद स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ, और अब गाज़ियाबाद क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हमारी गाड़ी ये सीधा कानपुर पे रुकेगी, इसका कोई और स्टॉपेज नहीं है बीच में। लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के तेजस का नज़ारा ज़रूर देखते हैं, एक वंदे भारत और तेजस, इन दोनों ही ट्रेनों को जो है लोग काफ़ी अजीब निगाह से देखते हैं, मतलब एक टक देखते ही रहते हैं। ओह सॉरी,
ये टुंडला और क्रॉस हो चुका है और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, सर्विस कर, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास नाश्ता वगैरह। 3 बजे गाड़ी हमारी निकली है, दोपहर के समय निकली है, तो यहाँ ब्रेकफास्ट तो हो नहीं सकता है, तो नाश्ते से शुरुआत होती है। रूट के हिसाब से इन्होंने डिवाइडेशन किया इस चीज़ का, कब क्या देना है, कब क्या सर्व करना है, तो ये एक अच्छी बात है। तो फ़िलहाल मेरे पास नाश्ता वगैरह आ चुका है और अब देखना होगा कि नाश्ते में इन्होंने मेरे को क्या दिया है, तो अभी देखता हूँ मैं इसमें क्या क्या साथ में इन्होंने दिया मेरे को, और शायद जूस और नमकीन, बिस्किट, केक, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। जी हाँ, जूस तो जो है बहुत सारे लिए हुए हैं सर्विस बॉय के हाथ में, और ये है हमारा नाश्ता, और इसमें आप देख सकते हो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जूस दिया है पीच, और ये हल्दीराम नमकीन, केक और समोसास। अब ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ टाइम लैप्स लगाता हूँ मैं। ये देखिए, आपको मेरे को कॉफ़ी सर्व हो चुकी है यहाँ पर, और मेरे से ऑप्शन रखा गया था कॉफ़ी या चाय का, तो मैंने कॉफ़ी प्रेफर की, तो कॉफ़ी आ चुकी है। ब्रांड ने ब्रांड वगैरह आप सभी देख सकते हो क्या है, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये रही कॉफ़ी, और इंस्टेंटली जो है तैयार हो जाने वाला आइटम, ये थोड़ा सा रिव्यू है। We'll be right back.
और फाइनली हमारा खाना भी आ चुका है, डिनर का टाइम हो चुका है, तो शायद ये डिनर लेकर के आ गई हैं। और अब देखना होगा कि यहाँ डिनर पे क्या-क्या दिया जाता है। और भाई वैसे भी भूख लगी है, अब तो जितनी जल्दी हो सके खाना हाथों में आ जाना चाहिए अब। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, ये इन्होंने मेरे से पूछा वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए, तो मैंने वेज बोला, मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेज ही पसंद करता हूँ। तो फिलहाल थैंक यू, मैं इनको बोल चुका हूँ, और ये इस तरह से मैंने जो है इसको मोल्ड कर दिया और ओपन कर लिया सीट को, और ये मैंने अपना लंच सॉरी डिनर यहाँ पर रख दिया है। और अभी सब पैक है, फिलहाल मेरे को नहीं मालूम अंदर क्या है क्या नहीं है, तो देखते हैं। फिलहाल एक किट मिली है, ये इस किट के अंदर क्या क्या है आप देख सकते हो, फॉर्क है, स्पून है और कांटा चम्मच, यही सब होता है। तो हथियार है खाने के साथ, किस तरह से टूल इस्तेमाल करने हैं वो तो जिसे करने हैं करे, नहीं करने हैं नहीं करे। और ये पराठा है, दो पराठे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इस पे क्या है, आई थिंक ये दही हो गया, क्लासिक मदर टेरी आप देख सकते हो। और यहाँ पर तेजस ने हमें दिया है, शायद इसके अंदर कोई सब्ज़ी होगी, और सब्ज़ी ही है शायद। और उसके बाद अब यहाँ पर खोल करके आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा पूरा खाना इस तरह से यहाँ पर है। अब देख सकते हो आप, मटर पनीर है या जो भी हो, पनीर की ही है अब ज़्यादा नहीं मालूम। और बीच में दाल है, चावल है, मिक्स वेज है, दही है, पराठा है, इतना आइटम है। और ये बाहर का सुंदर नज़ारा, ट्रेन अपनी गति पे और पता नहीं चल रहा है। देख रहे हैं आप स्पीड, और यहाँ कुछ दिया गया है मेरे को, और मुझे अभी पता नहीं क्या है इसमें। मैंने सोचा कुछ दूसरा कुछ भी खाने को ही होगा, लेकिन वो गुगली हो गई मेरे साथ थोड़ी, मुझे मालूम भी नहीं था, पहली बार मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये है गुगली, ये हो गई गुगली। मैंने सोचा कुछ खाने वाला आइटम होगा, चॉकलेट्स वगैरह होगी या जो भी होगा, कुछ ऐसा कुछ मैंने होप कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक रिंग की रिंग दी गई है। तो चलिए अच्छी बात है, कहीं ना कहीं यूज़ होती रहेगी। और ये रहा इसका बाथरूम, कुछ इस तरह से वॉशरूम इसका दिया हुआ है, देख सकते हो आप, इनवेयर वगैरह का लगा हुआ है। और फाइनली हम कानपुर आ चुके हैं अपने स्टॉप पे। तो कमेंट में बताइएगा, ये इस तरह का छोटा सा एक ब्लॉग बनाया, एक्चुअली आवाज़ मैं बाद में डाला हूँ इसमें, उस समय शूट करते टाइम नहीं डाल पाया था, अकेला था मैं तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा था थोड़ा सा, तो छुपाना कुछ नहीं चाहिए। तो होप करता हूँ अच्छा लगेगा, बाय।